ये आयत तिलावत फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी ने दुआ फरमाई। उनकी आंखों से मोती की तरह अश्क रवा थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, इस पर रहम फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की ये दुआएं सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और देखो मेरा हबीब क्या फरमा रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से पूछा, आप क्यों गिरिया गुनाह हैं? रसूल अकरम ने फरमाया, हम अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं और हमें उस अजाब का डर है जिससे हमारी उम्मत को गुजरना पड़ेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका जवाब अल्लाह ताला तक पहुंचाया, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और मेरे हबीब को बता दो कि अल्लाह ताला आपको उम्मत के बारे में राजी कर देगा, आपको रब परेशान नहीं छोड़ेगा, आप राजी हो जाएंगे। क्या हमारे पास वो खूबसूरती और लताफत है जो हमारे नबी के पास है? क्या हमारी दुआ नबी की दुआ जैसी है? किसने हमें हमेशा नसीहत की और दिन रात दुआ की? रातों को जागकर मेरी उम्मत कहकर रब के हुजूर दुआ करने वाले पैगंबर जैसी लताफत किसी के पास नहीं है पाशा। आपने दुरुस्त फरमाया, ये उन्हीं की शान है पाशा, उन्हीं की शान है।